नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों ठीक 9 बज चुके हैं और जैसा कि आप सबको पता है अपना लाइव सेशन जो है दोस्तों 9 बजे शुरू हो जाता है। दोस्तों हम सीरीज पढ़ रहे थे, श्रृंखला का टॉपिक पढ़ रहे थे। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे दोस्तों? श्रृंखला पढ़ रहे थे और श्रृंखला का पार्ट नंबर 3 लेके आ गया हूँ दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे अक्षर श्रृंखला। कौन सी श्रृंखला पढ़ेंगे? अक्षर श्रृंखला पढ़ने वाले हैं दोस्तों। अक्षर श्रृंखला के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से, BSTC और PTT की दृष्टि से, दोस्तों जितने लोग भी लाइव आ चुके हैं एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों, सभी लोगों को शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों को। दोस्तों बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है, मजा आने वाला है दोस्तों। आवाज क्लियर आ रही क्या एक बार बताएं कमेंट करके, आवाज क्लियर मेरी आ रही क्या आप लोगों तक एक बार बताएं। ठीक 9 बज चुके हैं, लाइव सेशन शुरू हो चुका है, सभी को बता दीजिए दोस्तों। आज हम अक्षर श्रृंखला पढ़ने वाले हैं दोस्तों। सीरीज का ये अपना लास्ट टॉपिक रहेगा, उसके बाद में हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। चलिए वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया दोस्तों। अक्षर श्रृंखला में आपको क्या करना है, सवाल कैसे आएंगे देख लीजिए। जैसे आपको दे दिया यहां पर ए सी ई जी और नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा, तो इस प्रकार से सवाल आएंगे। एक बार सवाल की प्रकृति को आप समझना, सवाल को समझना किस प्रकार से सवाल आएंगे। तो यहां पर आपको क्या है, ABCD के कुछ लेटर्स मिलेंगे और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है क्या आएगा। तो देखना एक बार ध्यान से इसको क्या करना है, वही करना है क्या कि नंबर लिखने हैं। क्या करना है, नंबर लिखना है। एक नंबर पे आता है ए, 3 नंबर पे आता है सी, ई 5 पर, जी 7 पर। अब देखिए 1, 2 गायब है, 3, 4 गायब है, 5, 6 गायब है, 7, 8 गायब रहेगा, क्या आएगा 9। और 9 का मतलब क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, आई हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अक्षर श्रृंखला में जो सवाल आएंगे वो इस टाइप के आएंगे। तो दोस्तों इसमें कौन कौन सी आवश्यक बातें हैं ये तो मैंने समझाने के लिए बताया है। आवश्यक क्या क्या रहेगा, आपको क्या करना है, ABCD याद होनी चाहिए। ABCD के जो लेटर्स है दोस्तों वो उनको याद करना है कि L 12 पर आता है, K 11 पे आता है, T 20 पे आता है, W 23 पे आता है। इस प्रकार से आपको याद करना है और याद करने की मैं ट्रिक्स आपको पहले यहां पर बता रहा हूं, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों याद करने की ट्रिक्स क्या है। दोस्तों मैंने लिखा है ABCD, इनको याद करने की आवश्यकता है क्या, नहीं, कि 1, 2, 3, 4 नंबर पे आता है सर, इनको क्या याद करना है। और XYZ ये आ गया 24, 25 और 26, कि सर इनको भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये शुरुआत में आ रहे हैं वो लास्ट में आ रहे हैं, तो याद क्या करना है। तो दोस्तों ध्यान से समझना, एक होता है आई, हम किसी बात को जानते हैं तो क्या कहते हैं, आई नो, यानी कि आई कितने नंबर पे आएगा, 9 नंबर पे आएगा। कितने नंबर पे आएगा, 9 नंबर पे आएगा। एच दोस्तों ऐसे लिखा जाता है और एच को मैं यदि बंद कर दूं, यहां से बंद कर दूं, तो क्या बनेगा, 8 बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, 8 बन जाएगा। और 8 नंबर पे क्या आता है, एच आता है, ऐसे आपको याद करने हैं दोस्तों। एक नंबर है, एक लेटर है एम, एक लेटर है डब्लू, दोनों में क्या दिखाई दे रहे हैं, 3 दिखाई दे रहे हैं। देखो दोस्तों क्या दिखाई दे रहे हैं, 3 दिखाई दे रहे हैं। ये बीच में आता है इसलिए 13 पर आएगा, इसमें भी 3 है, ये लास्ट में कहीं आता है इसलिए 23 पर आएगा। कितने पर आएगा दोस्तों, 23 पर आएगा। ऐसे है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर, क्या है दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर, जे एंड के, तो जे 10 पर और के 11 पर, जे 10 पर और के 11 पर, ठीक है दोस्तों। अब एक होता है राजा, दोस्तों राजा कितने साल का, 18 साल का। आर कितने साल, राजा R4 राजा, राजा कितने साल का दोस्तों, 18 साल का, यानी R 18 पर आएगा। और उसकी रानी क्वीन यानी कि कितने नंबर पे आ गया दोस्तों, 17 नंबर पे आ गया। कितने नंबर पे आ गया, 17 नंबर पे, R 18, राजा 18 साल का और रानी कितने साल की, 17 साल की। दोस्तों आपने गाना सुना होगा बॉलीवुड में पुराना, ठीक है दोस्तों, बॉलीवुड में गाना सुना होगा पुराना,
16 बरस की बाली उम्र को सलाम, ए प्यार तेरी पहली नजर को सलाम। ठीक है दोस्तों, तो प्यार करने की उम्र दोस्तों कितनी साल, 16 साल, यानी पी 16 पर कितने पे आएगा दोस्तों, पी 16 पे आएगा दोस्तों। T20 क्या आएगा, T20 टी कितने पे आएगा, 20 पे। एक आपने देखा होगा इजोटी, ए जे ओ टी वाई, इजोटी। इजोटी का मतलब क्या है, 5, 10, 15, 20 और 25। इजोटी का मतलब क्या है, 5, 10, 15, 20 और 25। पांच की टेबल चल रही है दोस्तों कि ई 5 पे, जे 10 पर, ओ 15 पर, टी 20 पर और वाई क्या है, 25 पर। दोस्तों जब हम सेल्फी लेते हैं, ठीक है ना, आपने इस प्रकार से सेल्फी लेते हुए देखा होगा, इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब है वी, वी फॉर विक्टरी। क्या है दोस्तों, वी फॉर विक्टरी, ये जीत का साइन होता है। क्या होता है, जीत का साइन होता है। तो दोस्तों वी का मतलब क्या हो गया, वी यानी सेल्फी लेते समय कितनी अंगुलियां, 2 अंगुलियां, तो लास्ट में आता है तो कितना आ जाएगा, वी 22 नंबर पे आ जाएगा। कितने पे आ जाएगा दोस्तों, वी 22 नंबर पे आपका वी रहने वाला है। दोस्तों युवावस्था कितने साल की, कि सर युवावस्था 21 साल की, युवावस्था कितने साल की दोस्तों, 21 साल की, यानी कि यू कितने पर आएगा दोस्तों, 21 पे आएगा। तो दोस्तों ये जो कुछ ट्रिक्स है इनके द्वारा आप याद रख सकते हैं। वैसे जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा पारंगत हो जाओगे, ठीक है ना। तो एक बार वापिस देखना, आई नो, एच को बंद करेंगे तो 8 बनेगा, M और W में दोनों में 3-3 दिखाई दे रहे हैं, ये बीच में कहीं आता है तो 13, ये लास्ट में कहीं आता है तो 23 हो जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर यानी 10 और 11 पर, P प्यार करने की उम्र 16 साल, T20 का मतलब T20 पर आएगा, युवावस्था 21 साल की, राजा 18 साल का और रानी 17 साल की। इसी प्रकार से V फॉर विक्टरी 22 और इजोटी से आप याद रख सकते हैं 5 लेटर को एक साथ, ई जे ओ टी और वाई को। तो दोस्तों ये कुछ नंबर से, यदि आप इनको लिखना चाहते हैं तो इन ट्रिक्स को लिख भी सकते हैं। फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं अक्षर श्रृंखला पर। दोस्तों ये कोडिंग डिकोडिंग में भी काम आएगा, ध्यान रखना है, वर्णमाला परीक्षण में भी काम आएगा, कोडिंग डिकोडिंग में भी काम आएगा और आज अपने अक्षर श्रृंखला में भी काम आ रहा है। ठीक है दोस्तों, एक बार बता दीजिए कैसी लगी ट्रिक्स, समझ में आई कि नहीं आई, एक बार शेयर करके बता दीजिए, लाइक करके बता दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों कि मेरे द्वारा बताई गई ट्रिक्स आपको कैसी लगी याद करने की। जी हाँ दोस्तों, जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा पारंगत हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब सवालों की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं कि इस अक्षर श्रृंखला में किस टाइप के सवाल आएंगे और इंपॉर्टेंट सवाल कौन कौन से पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं उन्हीं को लेते हुए चल रहा हूं। तो दोस्तों आप पेन और कॉपी उठा लीजिए और पहला सवाल करना स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों पहला सवाल करना स्टार्ट कर दीजिए जल्दी से। अपना पहला सवाल है दोस्तों, लिखा हुआ है AC, दो दो लेटर एक साथ लिखे हुए हैं, फिर लिखा हुआ है FH, उसके बाद लिखा हुआ दोस्तों KM, उसके बाद में लिखा हुआ दोस्तों PR, फिर है दोस्तों क्वेश्चन मार्क चिन्ह और है दोस्तों UW। क्या लिखा हुआ है, U और W। दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्या आएगा, AC FH KM PR, फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह है और UW है। दोस्तों ये UW है, ध्यान रखना है, यहां पर था PR। जल्दी से दोस्तों सवाल करने का एक ही तरीका है, आप इनकी नंबरिंग लिख दीजिए, जैसे आप इनकी नंबरिंग कर दोगे आपके बिल्कुल पकड़ में आ जाएगा कोड कि कितने नंबर्स बढ़ रहे हैं और क्या हो रहा है। जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से कमेंट करेंगे दोस्तों, जल्दी से कमेंट कर दीजिए क्या आएगा। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, काफी लोगों के कमेंट आ रहे हैं। चलिए दोस्तों जल्दी से लाइक कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ कि आज की क्लास में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या आएगा। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा क्या, UW। क्या आएगा दोस्तों, यू और डब्ल्यू आएगा दोस्तों। कैसे आएगा आप ध्यान से समझना, जिन्होंने UW कमेंट किया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों नंबरिंग कीजिए, 1 नंबर पर और 3 नंबर पर, 6 और 8 पर, 11 और 13 पर, 16 और 18 पर, उसके बाद यहां पर देखो यह है 21 और 23 पर। दोस्तों यहां पर देखना, 1 से 6 यानी +5 हुआ, 6 से 11 यानी +5 हुआ, 11 से 16 यानी +5 हुआ, वापिस +5 करेंगे
तो 16 प्लस 5 कितना होगा 21 और 21 में आता है U, ठीक है। और अब देख लीजिए 21 में आता है क्या, U आता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, U आ गया दोस्तों, यहां तक की बात समझ में आ गई क्या, 16 और 5 क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। ये दोस्तों ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है दोस्तों, ठीक है ना, ये इसका आंसर ही मैंने लिख दिया है यू, ठीक है। अब देखना दोस्तों आगे, 3 और 5 8, 8 और 5 13, 13 और 5 18, और 18 में जैसे ही 18 में 5 जोड़ेंगे तो आपका 23 आ जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, यू और डब्ल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यू और डब्ल्यू आ जाएगा। वो एक पद एक्स्ट्रा लिख दिया था आंसर के रूप में, तो ध्यान से देखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यू और डब्ल्यू, यू और डब्ल्यू आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है ना दोस्तों, यू और डब्ल्यू आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सब में प्लस 5, पहली सीरीज में भी प्लस 5 ऐड हो रहा है, दूसरी सीरीज में भी प्लस 5 ऐड हो रहा है, 5-5 ऐड हो रहा है, इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अगला देखना दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों, बी एम ओ, अगला क्वेश्चन लिखेंगे आप बी एम ओ, फिर लिखा हुआ ई ओ क्यू, फिर लिखा हुआ एच क्यू एस, फिर एक क्वेश्चन मार्क चिन्ह, जल्दी से कमेंट करो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से कमेंट करो। केवल आपको नंबरिंग करनी है, यदि आप नंबरिंग कर देते हैं तो आपको कोई भी गलत नहीं करने वाला है, जल्दी से कमेंट करेंगे दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा। केवल इन नंबरों पर आप नंबरिंग कर दीजिए, और नंबरिंग करते ही आपके पकड़ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या आने वाला है सभी साथियों की। जल्दी से कमेंट करेंगे साथियों, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, नंबरिंग कर दीजिए, केवल नंबरिंग करते ही आपके पकड़ में आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, के एस यू करेक्ट आंसर क्या आएगा, के एस यू, देखना दोस्तों कैसे क्या है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, बी, बी का मतलब कितने नंबर पर, 2 पर, एम 13 पर, ओ 15 पर, ठीक है, फिर ई 5 पर, ओ 15 पर, क्यू 17 पर, एच 8 पर, क्यू 17 पर, एस 19 पर, ठीक है दोस्तों। देखना 2 से 5 कितना प्लस हुआ 3, 5 से 8 कितना प्लस हुआ 3, और 8 से प्लस 3 करेंगे तो 8 और 3 कितना हो गया दोस्तों 11 हो गया, केवल मैं नंबर लिख रहा हूं 11 हो गया। अब देखो 13 से 15 प्लस 2, 15 से 17 प्लस 2, और 17 से प्लस 2 करेंगे तो 17 और 2 कितना हो गया 19 हो गया है, फिर 15 से 17 प्लस 2 हो रहा है, 17 से 19 भी प्लस 2 हो रहा है, 19 से प्लस 2 करेंगे तो 21 हो जाएगा। तो 11 पर K, 19 पर S और U पर 21, 21 पर U, तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या आ गया दोस्तों, K S U करेक्ट आंसर है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, K S U, पहले में 3-3 प्लस हो रहा है, बाकी दोनों में 2-2 प्लस हो रहा है, तो ये फॉर्मेट चल रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, के एस यू आपका करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा दोस्तों, के एस यू। दोस्तों यदि आपको इनका स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ रहा हूं, अगला सवाल आपके सामने रख रहा हूं दोस्तों, जल्दी से देखेंगे दोस्तों। चलिए बहुत ही बढ़िया, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उम्मीद करता हूं। अगला सवाल देखना, अक्षर श्रृंखला का अपना टॉपिक चल रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ओड वन आउट में भी आपके काम आएगा, ओड वन आउट में भी आपको इसी प्रकार से ढूंढना होता है, अक्सर श्रृंखला ही काम में आती है वहां पर, ठीक है। अगला सवाल लिखना दोस्तों आप, अगला सवाल लिखें, अगला सवाल है दोस्तों आपका आर टी आर टी आर पी एन एल, फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह, जल्दी से बताओ क्या आएगा क्वेश्चन मार्क, बहुत सरल लिख दिया इस बार, ठीक है ना, ये क्वेश्चन का साइन है, इसको नहीं माना, यहां से टी आर पी एन एल, टी आर पी एन एल क्वेश्चन मार्क चिन्ह, जल्दी से कमेंट करेंगे, जल्दी साथ ही कमेंट कर दो कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड दोस्तों, हर रोज रात को 9 बजे अपनी क्लास होती है रीजनिंग की, सुबह 10 बजे, फिर 12 बजे, शाम को 5 बजे हिंदी और राजस्थान जीके की इनकी क्लासें लगती हैं। रात को 9 बजे अपनी रीजनिंग की लाइव क्लास होती है, सभी लोग डेली जुड़ जाया करें। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे,
वेरी गुड। देखना दोस्तों, टी का मतलब 20 यानी 20, आर का मतलब 18, पी का मतलब 16, एन का मतलब 14 और एल का मतलब 12। देखो 20 से 18 माइनस 2, 18 से 16 माइनस 2, 16 से 14 माइनस 2, 14 से 12 माइनस 2, 12 से माइनस 2 करेंगे तो 10 आ जाएगा और 10 पे कौन आता है, जे आता है दोस्तों। जम्मू एंड कश्मीर बताया था ना 10 11, तो 10 पर कौन आता है, जे आता है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों जे रहेगा। जिन्होंने भी जे कमेंट किया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों, जिन्होंने भी जे कमेंट किया दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है दोस्तों, लिखा हुआ बी डी एफ आई एल पी और क्वेश्चन मार्क। जल्दी से बताइए क्या आएगा राइट आंसर, जल्दी से बताइए, बी डी एफ आई एल पी और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। सबसे पहले दोस्तों आपको नंबरिंग करनी है, नंबरिंग करते ही आपको पकड़ में आ जाएगा कि मुझे क्या करना है। नंबरिंग ही सबसे बेस्ट तरीका है ऐसे क्वेश्चन करने का। जल्दी से कमेंट करो देखें। चलिए बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, सभी दोस्त कमेंट करेंगे, सभी दोस्त जितने लोग भी लाइव हैं एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए देखना क्या करना है, बी का मतलब 2, डी का मतलब 4 और एफ का मतलब 6, आई का मतलब 9, एल का मतलब कितना है दोस्तों, एल का मतलब 12, पी का मतलब 16, पी का मतलब क्या है 16। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से समझना कि क्या करना है, ध्यान से समझना दोस्तों इसमें क्या आएगा, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसमें दोस्तों थोड़ा सा चेंज कर लेना, यहां ओ लिख लेना आप, क्या लिख लेना, ओ लिख लेना दोस्तों। चलिए पी रहने दे, पी रहने दो दोस्तों, पी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है पी बिल्कुल सही है दोस्तों। ध्यान से समझना करना क्या है दोस्तों, 2 से 4 प्लस 2, 4 से 6 प्लस 2, 6 से 9 प्लस 3, 9 से 12 प्लस 3 और 12 से 16 प्लस 4। अब देखना दोस्तों मजे की बात यहां पर, बिल्कुल जिन्होंने भी 16 और 4 20 T20 बताया बिल्कुल सही आंसर है। पहले प्लस 2 हो रहा है, फिर प्लस 3 हो रहा है, फिर दो बार प्लस 4 करेंगे तो 16 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा और 16 4 20 का मतलब T20। 20 का मतलब क्या आएगा दोस्तों, T20 आएगा, ये थोड़ा सा गलत पढ़ लिया था, T20 आएगा। जिन्होंने टी कमेंट किया है दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिन साथियों ने टी कमेंट किया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है उन सभी साथियों का। चलिए बहुत बढ़िया, सबसे पहले दो बार प्लस 2, फिर दो बार प्लस 3, फिर दो बार प्लस 4 करेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ जाऊं क्या, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए आगे बढ़ जाऊं क्या। चलिए बहुत ही बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों, इसी प्रकार के सवाल आपकी बीएसटीसी पीटीटी और अन्य भर्ती परीक्षाओं में डेली आते हैं, तो इन सब का आप ध्यान रखना है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आप पारंगत हो जाओगे। अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों यू बी आई पी डब्ल्यू और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। जल्दी से बताओ राइट आंसर क्या आएगा, ये तो क्वेश्चन का साइन है, ठीक है, यहां से पी यू बी आई पी डब्ल्यू, यू बी आई पी डब्ल्यू, दोस्तों जल्दी से बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ दोस्तों। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, डी जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखना ध्यान से, युवावस्था 21 साल की, बी का मतलब 2, आई का मतलब 9, पी का मतलब 16, डब्ल्यू का मतलब 23। ध्यान से समझना दोस्तों, यहां से पकड़ो आप, 2 और 9 कितना जोड़ रहा है, 7 जोड़ रहा है, 16 और 9 7 जोड़ रहा है, यहां पर भी 7 जोड़ रहा है, इसका मतलब यहां पर भी दोस्तों 7 ही जुड़ रहा है। देखो 21 के बाद में 22 23 24 25 26 27 तक तो ये आ जाएंगे, फिर एक और दो आएगा, तो दो का मतलब बी हो गया, दो का मतलब क्या हो गया दोस्तों, बी हो गया है।
इसमें सात जोड़ेंगे तो प्लस सात करेंगे तो 23 और सात कितने हो जाएंगे 31 हो जाएंगे। तो 27 तक तो अपना जेड होता है 27 पे, 28 29 30 31 चार बढ़ गए तो चार पे कौन होता है दोस्तों डी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा डी आएगा, 31 का मतलब डी आएगा दोस्तों, ठीक है ना। सात सात प्लस हो रहा है सब में, सात सात प्लस हो रहा है तो 23 प्लस सात किया तो 31 आए, 27 तक जेड आ गया, 31 चार आगे बढ़े, चार का मतलब क्या हो गया ए बी सी डी, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो गया है, डी आपका करेक्ट आंसर हो गया है दोस्तों डी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ जाऊं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देखना, अगला लिखना आप लोग सभी, अगला लिखना दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ए आई, फिर है दोस्तों बी जे, फिर है सी के और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। जल्दी से बताओ देखे इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग जल्दी से कमेंट करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या लिखा हुआ है दोस्तों ए आई बी जे सी के और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। एक बार आपको केवल नंबरिंग करनी है, नंबरिंग करते ही आपके बिल्कुल पूरा पकड़ में आ जाएगा क्वेश्चन की क्या करना है आपको, तो केवल और केवल दोस्तों नंबरिंग करनी है, नंबरिंग करते ही आपके पूरा पकड़ में आ जाएगा। सभी लोग कमेंट करेंगे बहुत बढ़िया, काफी राइट कमेंट भी आ रहे हैं, वेरी गुड, जल्दी से कमेंट करेंगे दोस्तों। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी एल, कैसा आया देखना, एक और नौ, दो और दस, तीन और ग्यारह, देखो एक दो तीन, अब क्या आएगा चार आएगा, क्रम से चल रहा है ना एक एक, ठीक है, नौ के बाद में दस, दस के बाद में ग्यारह और ग्यारह के बाद में क्या आएगा बारह, तो चार पर डी और बारह पर एल, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों डी एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों डी एल हो जाएगा। यहां पर एक एक बढ़ रहा था, यहां पर भी एक एक बढ़ रहा था, तो एक दो तीन चार में डी, नौ दस ग्यारह बारह में एल आ गया। चलिए यहां तक की बात समझ में आ गई क्या, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखें एक बार कमेंट करके बताओ यहां तक की बात समझ में आ गई क्या, फिर आगे बढ़ रहा हूं, जल्दी से बता दीजिए यहां तक की बात समझ में आ गई क्या, बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला सवाल देखना दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने मैं ला रहा हूं, जल्दी जल्दी से कमेंट करते रहेंगे दोस्तों, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है लाइव सेशन में जल्दी से बता दीजिए, कमेंट भी करते रहेंगे साथ साथ में आप लोग। चलिए अगला सवाल देखें आप, अगला सवाल है आपका दोस्तों 4EZ, दोस्तों ये चार लिखा हुआ है, ठीक है, 4EZ 5GY 7IX फिर एक क्वेश्चन मार्क चिन्ह, उसके बाद में है 14MV, ठीक है, इसका राइट आंसर बताओ, कितने लोग राइट आंसर बताते हैं 4EZ 5GY 7IX 14MV, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करो, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, जल्दी जल्दी से कमेंट करो दोस्तों राइट आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताओ देखें। चलिए दोस्तों देखना, यहां पर काफी लोग कमेंट कर रहे हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या आएगा मैं बता देता हूं आपको, पहले इसका राइट आंसर आएगा आपके 10KW, क्या आएगा दोस्तों 10KW, यदि किसी ने कमेंट किया है तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, देखना दोस्तों कैसे आया, चार तो लिखा है इसकी जरूरत नहीं, चार से पांच हो रहा है, पांच से सात हो रहा है, यानी प्लस एक, फिर प्लस दो, अब प्लस तीन की बारी है, तो सात और तीन कितने हो गए दस हो गए, यहां तक की तो बात समझ में आ गई, अब चार की बारी है तो दस और चार चौदह हो रहे हैं, ऑलरेडी देखने की आवश्यकता नहीं है, ये पांच पर आता है, ये 26 पर आता है, ये सात पे आता है, ये 25 पे आता है, ये 9 पे आता है, ये 23 पे आता है, और ये 13 पर आता है, और 22 पे आता है, देखना दोस्तों 5 से 7 प्लस 2, 7 से 9 प्लस 2,
9 से प्लस 2 करेंगे और 9 और 2 11 हो जाएगा। 11 का मतलब क्या है दोस्तों, ये तो 10 है ही, 9 और 2 11, 11 का मतलब क्या है कि आ गया, ठीक है। और फिर देखो 11 और 2 13 हो रहा है, यानी m आ रहा है, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ गई। आगे देखना, 26 से 25 माइनस 1 हो रहा है, 25 से 23 माइनस 2 हो रहा है, कितना हो रहा है माइनस 2। अब माइनस 3 की बारी है दोस्तों, सॉरी देखना दोस्तों, ये 23 पे w आता है, ये 24 पा रहा है, कितना पा रहा है 24 पे, 25 से 24 माइनस 1 हो रहा है, ठीक है। यहां पर सब में माइनस 1 चला है, देखो माइनस 1 माइनस 1 फिर माइनस 1 करेंगे तो 24 से माइनस 1 करेंगे तो 23 आएगा, और 23 पे क्या आ रहा है w आ रहा है, 23 पे क्या आएगा दोस्तों w, तो के w 10 के w, क्या राइट आंसर आएगा 10 के w, जिन्होंने बताया है। वापिस देखना एक बार इसको, 4 5 7 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे चल रहा है, यहां पर 5 से 7 7 से 9 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 ऐसे चल रहा है, तीसरे में माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो अपना राइट आंसर क्या आएगा 10 के w, जिन्होंने भी बताया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों, 10 के w यदि किसी ने दिया है आंसर तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों ये था अक्षर श्रृंखला का, अब एक टाइप और इसमें और बच जाता है, ये आपका अक्षर श्रृंखला की प्रैक्टिस थी। अब दोस्तों देखना एक रिपीटेड श्रृंखला आती है, रिपीटेड श्रृंखला, रिपीटेड सीरीज आती है दोस्तों, उसमें क्या करना है दोस्तों, उसमें आपको कुछ खाली स्थान दिए होते हैं वो आपको भरने होते हैं। किस प्रकार के आती है एक बार ध्यान से समझना, किस प्रकार के आती है एक बार ध्यान से समझना, एक सवाल में आपके सामने लिख के बता रहा हूं, एक खाली स्थान, फिर डबल ए खाली स्थान, बी ए खाली स्थान, बी बी खाली स्थान, ए बी खाली स्थान, ए बी, दोस्तों ध्यान से देखना, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, पहले खाली स्थान है, फिर दो बार ए लिखा हुआ है खाली स्थान, इस प्रकार की सीरीज कितने लोगों ने देखी हुई है एक बार बताओ, पुनरावर्ती श्रृंखला इसे कहते हैं, इसे कहते हैं रिपीटेड सीरीज या पुनरावर्ती श्रृंखला दोस्तों। इसको ध्यान से देखिए एक बार, आप कमेंट करने का प्रयास कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या आएगा, ठीक है दोस्तों। ये डबल ए लिखा हुआ है, इसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों, दोस्तों खिताबों में आपने पढ़ा होगा कि इन क्वेश्चनों को करने का जो तरीका है दोस्तों वो क्या है कि इनको खंडों में बांटिए, या तो दो का समूह बनाइए, तीन का बनाइए, चार का बनाइए। मैं वैसा नहीं बता रहा हूं दोस्तों, मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बता रहा हूं, उससे आपके लगभग हर क्वेश्चन सही हो जाते हैं, ठीक है ना, हर क्वेश्चन सही हो जाता है 99.99%, ठीक है। तो देखना इसमें आप वो चीज पकड़िए जो सबसे ज्यादा बार लिखी हुई हो, जैसे यहां पर देखो डबल ए बी बनाना है, आपको डबल ए बी बनाना है मान लीजिए, या आपको डबल बी बनाना है, ठीक है। तो डबल ए क्या आएगा बी, देखो डबल ए बी, डबल ए बी, ठीक है, और ये डबल ए बी, डबल ए बी, ये आपका बन गया है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से ये आपकी श्रृंखला बनेगी। अब देखना दोस्तों यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर बी आ जाएगा, देखो क्या बना, डबल ए डबल बी, डबल ए डबल बी, डबल ए डबल बी, डबल ए डबल बी, ये आ गया बी यहां पर, ठीक है दोस्तों। तो वो अपना आप ही आपको जो ऑप्शन है दोस्तों वो पकड़ में आ जाएगा, ऑप्शन क्या है पकड़ में आ जाएगा आपको, जहां पर बड़ी श्रृंखला दिखाई दे वो आप भर दीजिए दोस्तों। तो अपना आंसर क्या हुआ देखो दोस्तों, बी हो गया, फिर से बी हो गया, फिर ए आ गया, फिर ए आ गया, और लास्ट में बी आ गया। तो अपना जो ये ऑप्शन होगा वो हम बिल्कुल कर देंगे। एक तरीका ये शॉर्ट एयर स्वीट है, फिर आपको जो दिया हुआ है ऑप्शन वो भर के देख लो, जहां पर अच्छी सीरीज बन रही है, बोलने में आसानी हो रही है, अच्छी सीरीज बन रही है, वही आपका राइट आंसर होगा। इसमें एक और करने का प्रयास करें आप, एक और मैं आपको बता रहा हूं, देखना क्वेश्चन आप लिखना, इस ट्रिक से ही करना है, बी सी ए ए फिर खाली स्थान है, फिर लिखा बी फिर खाली स्थान है, फिर डबल ए बी सी खाली स्थान, ए खाली स्थान, सी ए ए, दोस्तों इसको बताओ इसमें क्या आएगा, देखें जल्दी से बताओ एक बार, इसका क्या आएगा एक बार जल्दी से बताओ दोस्तों। क्वेश्चन क्या है आपके सामने, क्वेश्चन क्या है, बी सी ए खाली स्थान, फिर बी फिर खाली स्थान, डबल ए बी सी खाली स्थान, ए
खालिस्तान सी ए ए। देखो दोस्तों मैं जो तरीका बता रहा हूं वो समझने का प्रयास करना, क्या दिखाई दे रहा है डबल ए बी सी, बस आपको पूरी सीरीज में डबल ए बी सी बनाना है आपको कैसे ही करके, ठीक है। अपना आप सीरीज अपना आप आंसर बोलेगी, देखना दोस्तों बी सी आ रहा है तो क्या बनाऊंगा डबल ए बी सी, डबल ए बी सी क्या बनाऊंगा डबल ए बी सी, बस आपका आंसर हो गया। केवल आपको जो ज्यादा पुनरावृत्ति जिनकी हो रही है, जहां पर ज्यादा समूह बड़ा दिखाई दे रहा है, पूरी सीरीज में आप वैसा ही बना दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों देखो क्या बना बी सी डबल ए बी सी डबल ए बी सी डबल ए बी सी डबल ए, यह आपका राइट आंसर बन गया, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आया, सबसे पहले ए भरा, उसके बाद में सी भरा, उसके बाद में वापस ए भरा और बी भरा, ये जिन्होंने भी बताया है ए सी ए बी। आप चाहे उनको टुकड़ों में तोड़ के करें, खंडों में तोड़ के करें, या आप ऑप्शन एक एक ऑप्शन रख के चेक करें, या जो मैं तरीका बता रहा हूं शॉर्ट और स्वीट उससे करें, बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, लगभग आपका हर एक क्वेश्चन हल हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों बात समझ में आ गई क्या, बताओ देखें। चलिए एक क्वेश्चन और करने का प्रयास करना, एक क्वेश्चन आप करके बताओ देखें, आपके सामने इसी प्रकार का रिपीटेड श्रृंखला का एक क्वेश्चन और आ रहा है, खालिस्तान एन एम एम एन, खालिस्तान एम एम एन एन, फिर खालिस्तान एम और दो बार एन फिर एम खालिस्तान, इसका बताओ राइट आंसर क्या आएगा। पहले खालिस्तान है बोल रहा हूं मैं, जिनको सही नहीं दिखाई दे रहा है, पहले N है दो बार M है, फिर N है खालिस्तान है दो बार M दो बार N है, फिर खालिस्तान एक बार M दो बार N और एक बार M है, ठीक है। तो इसमें जो बड़ी श्रृंखला है दोस्तों, एक बार आप करके बताओ देखिए राइट आंसर क्या आएगा, एक बार आप सभी लोग करके देखेंगे इसका क्या आंसर आ रहा है जल्दी से। चलिए बहुत ही बढ़िया, देखिए क्या बनना है इसमें, यहां पर पकड़ो डबल एम डबल एन, ये डबल एन डबल एम डबल एन डबल एम डबल एन, यहां पर एम एक है तो ये डबल एम और डबल एन और ये एम आ गया। देखो क्या क्या भरा है, पहले एन भरा, फिर वापस एन भरा, फिर एम भरा और वापस एम भरा, ठीक है। तो आपकी रिपीटेड श्रृंखला क्या है, डबल एन डबल एम डबल एन डबल एम डबल एन डबल एम डबल एन और डबल एम, ये इस प्रकार से बनेगी। तो जो हिस्सा बड़ा है सीरीज में से, चाहे कहीं से भी आप उठो, सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो उठाओ और खाली स्थान में उसी प्रकार के हिस्से बनाना स्टार्ट कर दो, आपकी पूरी श्रृंखला बन जाएगी। आपको कोई भी अलग ट्रिक देखने की आवश्यकता नहीं है, नहीं आपको ऑप्शन रखना है, नहीं आपको उनको टुकड़ों में तोड़ना है। मान लीजिए 15 की है तो 5-5 के 3 बना दे या 3-3 के 5 बना दे, उसमें यदि आपके 17 आ गए लेटर्स, 17 लेटर आ गए तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन इसमें कितने भी लेटर आए इस ट्रिक में बिल्कुल आपका राइट आंसर आएगा। तो दोस्तों ये श्रृंखला का जो टॉपिक है आपका कंप्लीट हो गया, आप एक बार कमेंट करके बताएं अगला टॉपिक कौन सा लेना है, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप रेवंतराज मैथमेटिक्स को ज्वाइन करना नहीं भूलें, आप टेलीग्राम पे जाएं, वहां पर आप सभी की पीडीएफ, मैंने बहुत सारी पीडीएफ डाल दी है, संधि की पीडीएफ भी आज डाल दी गई होगी या डाल दी जाएगी आज रात तक, ठीक है ना। सभी की पीडीएफ, आपको नोट्स वगैरह लेने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप रेवंतराज मैथमेटिक्स को ज्वाइन कर सकते हैं। पहले आपको टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके लिए काफी बच्चे कमेंट करते हैं कि सर नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना है। और इस लाइव सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक लिंक दिया हुआ है, जैसे आप उसको क्लिक करेंगे सीधे आप टेलीग्राम पे पहुंच जाएंगे और वहां से आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोगो अपने चैनल का है वही टेलीग्राम चैनल पर भी लगा हुआ है। तो दोस्तों बताइए अगला टॉपिक क्या है, चलिए बहुत ही बढ़िया, अलग अलग कमेंट आ रहे हैं अगले टॉपिक के लिए। तो दोस्तों जल्दी आपको सूचना दी जाएगी कि अगला टॉपिक कौन सा लेना है। आकृति गणना का एक वीडियो मेरा बनाया हुआ है 40 मिनट का, वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, और भी एक आकृति गणना का जो हार्ड क्वेश्चनों का बोल रहे थे आप, वो लेके आऊंगा मैं बहुत जल्दी। तो आगे कल मिलेंगे दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी।
लगातार आपके लिए मेहनत करते जा रहे हैं दोस्तों। आप इन क्लासों को ज्यादा से ज्यादा बार देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सभी को चैनल के बारे में बताएं, ज्यादा से ज्यादा चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल नए सेशन में रात को 9 बजे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।